केजीएफ की ह्यूज सक्सेस के बाद यश केजीएफ 2 के साथ बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। फिल्म बनकर पूरी रेडी है और रिलीज के लिए दिन गिन रही है। दूसरी तरफ फिल्म रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है, जो 27 मार्च को रिलीज होगा। कहा जा रहा है कि केजीएफ 2 का ट्रेलर इतना जबरदस्त और दमदार निकलकर सामने आएगा कि फैंस के बीच फिल्म को देखने की जिद और ज्यादा बढ़ जाने वाली है। लेकिन उससे पहले केजीएफ 2 को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी लीक हो गई है। ये फिल्म की कमाई से जुड़ी हुई है और पूरी खबर सुनकर आप खुद ब खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि केजीएफ 2 सिर्फ देश में ही कितना कमा लेगी। दरअसल फिल्म के मेकर से जब 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली केजीएफ 2 के प्लान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने पूरा मास्टर प्लान ही खोलकर लोगों के सामने रख दिया। दरअसल हाल ही में केजीएफ चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर विजय किरांगदूर ने मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया है कि वो इस फिल्म को लेकर बड़ा फैसला ले चुके हैं। यश तारण ये फिल्म पूरे देश में 6000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होने जा रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर के मुताबिक, हम इसे इंडिया में 6000 स्क्रीन पर रिलीज करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें स्क्रीन मिल जाए। हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर्स के साथ इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। इस बात के सामने आने के बाद ये तो तय हो गया है कि फिल्म से मेकर्स मोटी कमाई करने की प्लानिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम दूसरी बड़ी फिल्मों के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए रास्ता साफ चाहते हैं। विजय ने प्रॉमिस किया है कि केजीएफ 2 इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क होगा। उन्होंने आगे कहा, टीजर ने रिकॉर्ड बनाए हैं और हम ट्रेलर और फिल्म के लिए दर्शकों की तरफ से बड़े रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं। फिल्म मेकर ने कहा कि हम हमेशा स्क्रिप्ट और डायरेक्टर पर यकीन रखते हैं। केजीएफ की सफलता ने हमें सीक्वल को 10 गुना बड़ा बनाने का विश्वास दिलाया है। इस खबर को सुनने के बाद ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। हालांकि वो शॉक या फिर हैरान नहीं है, क्योंकि उन्हें इस फिल्म की सक्सेस का अंदाजा है। लेकिन इस बात का हल्ला जरूर मचने लगा है कि केजीएफ 2 के मेकर्स अपनी स्क्रीन से ट्रिपल आर की स्क्रीन को टक्कर देने पर उतर आए हैं, क्योंकि जहां हिंदी बेल्ट में ट्रिपल आर को 3000 स्क्रीन मिली है, वहीं बाकी जगहों पर ट्रिपल आर 3200 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। अब देखना ये होगा कि केजीएफ 2 ने देश में तो ट्रिपल आर को टक्कर दे दी है, लेकिन क्या ओवरसीज मार्केट में भी इसी हिसाब से स्क्रीन बटोर पाती है या फिर नहीं। और अगर ऐसा होता है तो केजीएफ 2 का पहले दिन ही कई करोड़ों में बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इकट्ठा होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि होमब्ले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरांगदूर ने बताया है कि ट्रेलर लॉन्च एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जिसमें सभी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां हिस्सा लेंगी। इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती से बातचीत हो रही है, और ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर है। मेकर्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि करण जौहर केजीएफ 2 के ग्रैंड लॉन्च को होस्ट करने वाले हैं। फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़े तख्ता पलट का गवाह बनेगा जब करण जौहर केजीएफ चैप्टर 2 का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर लॉन्च इवेंट में होस्ट के रूप में कार्यभार संभालेंगे। क्या रॉकी भाई को मिलेगी उनकी दुनिया? फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में एक्टर यश और संजय दत्त के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस जबीना टंडन भी पॉलिटिशियन के रोल में नजर आने वाली है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो केजीएफ चैप्टर 2 वहीं से शुरू होगी जहां से पहला चैप्टर क्लोज हुआ था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।